हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है। प्रणाम महाराज जी, मैं सुनील शेट्टी। आई थिंक जैकी जी ने बहुत कुछ कहा हम सब की तरफ से, लेकिन बहुत ही सीनियर्स आए हुए हैं और सभी ने बहुत ही अच्छा बोला। वाकई ये प्लान बहुत ही खूबसूरत, पॉलिसी जैसे राहुल ने कहा कि डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज यू नो दैट एनी स्टेट हैज पुट फॉरवर्ड। बस यही है, बार बार यही कहना है कि वन विंडो क्लियरेंस रहना चाहिए, प्रोटेक्शन, जीरो क्राइम रहना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर शूटिंग होती भी है और कंफर्टेबल शूटिंग होती है। थर्ड ऑफ कोर्स एजुकेशन पे ध्यान। सिर्फ हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें एक्टर्स क्रिएट करना है, लेकिन टेक्निकल टीम्स भी क्रिएट करना बहुत जरूरी है, ताकि जब हम यहाँ से आए तो बहुत ही एक छोटी यूनिट लेकर आए और वहाँ के लोकल्स को हम वो एनकरेजमेंट दे, तब जाके ये कंप्लीट पॉलिसी भी हिट होगी। क्योंकि जब लोकल्स को काम मिलता है तो कहीं ना कहीं एक रिडेम्पशन जैसा होता ही है। ऑफकोर्स थिएटर्स, क्योंकि इवेंचुअली आज अगर हमें तकलीफ हो रही है तो कॉस्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है, तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्म में भी था और बाकी काफी अच्छी फिल्म में मैं रहा हूं। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलके उसे कैसे हटाया जा सकता है, ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है, आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली यूपी जैसे जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा। हमारी ऑडियंस अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से, उसी फैंस के वजह से। फ्राइडे जब थिएटर में लोग भरते थे तो बाकी की इंडिया बोलती थी कि हाँ यार ये फिल्म चलेगी। तो इन चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। ये जो हमारे ऊपर स्टिग्मा जो लगा हुआ वो हटना बहुत जरूरी है। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल अग्री विद अबाउट दैट। स्ट्रॉन्ग इमोशन है मेरा, दुख होता ये बोलने भी कि हमारे ऊपर स्टिग्मा है, क्योंकि 99% लोग हम वैसे हैं नहीं। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी म्यूजिक, हमारी कहानी। तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहें तो बहुत फर्क पड़ सकता है सर। बस मेरा सिर्फ यही कहना है, पास नहीं हो सकता है, अलग बात है, दृष्टिकोण लोगों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम सकारात्मक भाव से देखेंगे तो फिल्मों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है नेशनल इंटीग्रिटी में भी और समाज को जोड़ने में। तो हिंदी फिल्मों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में जितना बड़ा योगदान दिया है पूरे देश के अंदर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है और हमें उस अच्छाई को देखना होगा जो लोगों के मनोरंजन के साथ साथ उनके ज्ञानवर्धन के लिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता की दृष्टि से बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और ये हमारी फिल्मों ने हमेशा किया है, हमें उसको उसी दृष्टिकोण से देखना होगा। बाकी हर जगह भगवान राम पे भी आरोप लगाने वाले थे और हर एक स्तर पर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चलते हैं उनसे, बहुत उसकी परवाह के बगैर हमें सकारात्मक दृष्टि से ही आगे बढ़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोगों ने जाना है, उत्तर प्रदेश में आपकी रुचि बढ़ी, मुझे इस पर प्रसन्नता हुई और मुझे देख करके और भी आनंद की अनुभूति हुई कि उत्तर प्रदेश आप सबके केंद्र बिंदु में है।